जम्मू और कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाल जानने एम्स पहुंचे हैं। 67 वर्षीय अरुण जेटली 9 अगस्त से एम्स में भर्ती हैं और सांस लेने और बेचैनी की समस्या से जूझ रहे हैं। कर्नाटक में मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात से पहले सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं अमित भाई से अंतिम सूची प्राप्त करने जा रहा हूं। कल 10:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा रविवार को बोधगया पहुंचे थे। उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वह अपने पत्नी और बेटे के साथ 2 दिवसीय भ्रमण के लिए बोधगया पहुंचे थे। वहीं सोमवार को पिंडदान के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस भयंकर मंदी पर सरकार की चुप्पी खतरनाक है। उन्होंने सवाल किया कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि सरकार की घोर चुप्पी खतरनाक है, कंपनियों का काम चौपट है।